हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हॉल कुर्ता सेट हॉल है, फ्लिपकार्ट कुर्ता सेट हॉल अंडर 600। चलिए अपने हॉल को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कुर्ता सेट है गिरुआ ब्रांड से, आप देख सकते हैं। एल साइज मैंने लिया है। ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है एंड बैक से भी सेम है। इसे पूरे कुर्ते पे ऐसे कुछ चेक्ड वाले प्रिंट्स बने हुए हैं जो निकलते नहीं। मैंने एक बार वॉश भी किया है इसे, ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं इसकी स्लीव जैसी है। इस पर भी पैंट वाले चेक्ड इस पर बने हुए हैं और इसका की होल नेक है। कपड़ा इसका कॉटन है, काफ़ी अच्छा है, समर फ्रेंडली है, ये घुटने तक आएगा। चलिए बात करते हैं इसके बॉटम वेयर की, पैंट की। आप पैंट को देख सकते हैं, ये पीछे इलास्टिक लगा हुआ है और सामने से ऐसे है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि दोनों साइड पॉकेट दी हुई है। इसमें टेपर्ड पैंट जैसा है, पीछे कोई नीचे कोई कटवट नहीं है, सिंपल है, ऐसे चेक्ड करके बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर लगता है। अब कलर इतना सुंदर है, सी ग्रीन टाइप का है, नियॉन कह सकते हैं, हल्के में ग्रीन है, लाइट है, काफ़ी अच्छा लगता है। धूप में पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब हम इस सेकेंड कुर्ता सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम गेरुआ ब्रांड से ही है। ये भी कुछ ग्रीन है, बस वो ज़्यादा हल्का था, ये थोड़ा सा डार्क है, आप देख सकते हैं। ये भी एल साइज है और इस पर भी कुछ ऐसे करके बना हुआ है, पत्तिया टाइप का और ऐसे कुछ बना हुआ प्रिंट ही है, लेकिन ये भी वॉश होने के बाद निकला नहीं है। इसमें इसकी भी स्लीव सेम टू सेम वैसी ही है और इसका गला भी कीहोल नेक वाला है। ये कुर्ता भी समर फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है। उसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट था, ये भी सॉफ्ट है, बट काफ़ी अच्छा है। दोनों ब्रांडेड कुर्ते हैं, ये प्लस पॉइंट है इसका। इसके बॉटम वेयर की बात कर लेते हैं। चलिए, इसका बॉटम वेयर काफ़ी अच्छा है। फ्रंट से ये भी सेम दिखता है वैसे ही, सिंपल टेपर्ड पैंट है एकदम, और ये पीछे इलास्टिक है, ये भी ब्रांडेड है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पॉकेट है, दोनों साइड पॉकेट है, काफ़ी अच्छा। अपना फ़ोन रख सकते हैं, मास्क रख सकते हैं। इसमें नीचे कोई कट नहीं दिया है, ये भी सिंपल है, एंकल लेंथ आएगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं। जो थर्ड कुर्ता सेट है हमारा, वो काफ़ी लोगों ने लिया था तो मैंने भी सोचा मैं इसका रिव्यू करूँ। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड से नॉर्मल है, कोई ब्रांडेड बहुत ब्रांडेड नहीं है, घर पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें फॉइल प्रिंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। ये पिंक कलर है, इसके ऊपर वॉश किया काफ़ी अच्छा है, ये वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था स्टार्टिंग में। ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स को, इसकी स्लीव काफ़ी अच्छी है। इसका फॉइल प्रिंट है, कुछ गोल्डन टाइप से दी गई है, पुलका डॉट टाइप का है, पूरा वैसा ही नहीं है पुलका डॉट टाइप का, लेकिन लंबा काफ़ी है, घुटने से नीचे तक आ रहा है। इसकी पैंट की बात कर लेते हैं। चलिए, इसका पैंट आप सिंपल प्लेन है, इस पर कोई फॉइल प्रिंट नहीं है, सामने से ऐसा दिखता है, पीछे इलास्टिक लगी हुई है, इसमें पॉकेट्स नहीं दी गई है किसी साइड, ये कोई प्लस इसमें पॉकेट नहीं दिया, इसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, एकदम प्लेन है, आप किसी और चीज़ के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे कोई कट नहीं है, सिंपल है एकदम, काफ़ी अच्छा है। इसका भी कपड़ा काफ़ी बढ़िया है, एकदम छोटा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है, समर फ्रेंडली है, आप ले सकते हैं इसको। ये भी अफोर्डेबल रेंज में, लगभग 400 समथिंग का है ये, मुझे लगता है। मैं आपको स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी कुर्ते के साथ साथ, और ये अगर होगा तो आप जाके ले लीजिएगा प्लीज़, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ये दोनों ब्रांडेड कुर्ते और ये भी। चलिए, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।